यासिर भाई जी भाई, एक सवाल है सर। एक ही है? मेरा एक ही है। ओके। और बड़े मजेदार जवाब मिलते हैं उसके जी। मोहब्बत हर इंसान की जिंदगी में होती है। सर ये मोहब्बत वोहब्बत नहीं करते सर, हम डायरेक्ट इश्क करते हैं। आवे। 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 मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है सर? मोहब्बत तो चलते फिरते होती रहती है सर, इश्क एक ही दफा होता है। वाह वाह, हो गया सर, हो गया, मुक गया सर। अच्छा नहीं, मुक भी गया। अल्लाह रहम करे कि शादी तो नहीं हो गई। जी अल्लाह ने रहम किया सर, अल्लाह ने रहम किया, हम आ रहे हैं तो। अच्छा आपकी शादी इश्क से ही हुई? सर यही कह सकते हैं सर, शादियां इश्क से ही की जाती है, बेवकूफ इश्क ही करते हैं सर, तो शादी भी बेवकूफ ही करते हैं। You are happily married. अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल यह है कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मुझे ये लगता है कि असल मोहब्बत जो होती है वो यकतरफा ही होती है। अच्छा, वो क्यों यासिर साहब? क्योंकि अगर मोहब्बत मिल जाए तो वो मोहब्बत का मजा ही क्या? ये क्यों बार बार लोग ये बात कहते हैं? क्योंकि मोहब्बत एक धोखा है, ना मिले तो बेहतर है। मोहब्बत धोखा है ना? हाँ भाई, शायर तो कहते हैं कि मोहब्बत दे विच सब कुछ मिल जाता है, मोहब्बत सारी दुनिया। अगर ये धोखा है, अगर एडी बुरी चीज है तो मेरे दिल चो मोहब्बत कर दे। आए होए, आए। दिल विच जो मोहब्बत है ना वो जेन्युइन मोहब्बत है, इसे बाहर ना निकाली। तेरे दिल चो मोहब्बत तो निकल सकती है बूटिया, लेकिन सिर चो वाल नहीं। तुहानू कल नहीं समझ आई। चलो जी, आप जरा मुझे ये बात बताएं, मोहब्बत ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया यासिर साहब कि आप हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ गए? मैं बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ा। फिर आप क्यों लोगों को मना कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल दौर नहीं है मोहब्बत का। मोहब्बत क्यों ना करें जी? जमाना नहीं रहा मोहब्बत वाला। जमाने में क्या हो रहा है? बेवफाई, धोखा, फरेब, यही है मोहब्बत आजकल की। यासिर क्या हो गया? ऐसे ही तुहाडे को पैसे मुक गए, दूजे नूं ते करन दो, की हो गया? यासिर भाई एक बात बताएं, आप इंडस्ट्री से खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप जहां हैं आज, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है जो आपको लगता है कि भाई मैं, जब आप सोने लगते हैं तो आप खुद को थपकी देते हैं और आप बोलते हैं कि यार ये काम तो मैंने जिंदगी में कर लिया है जिस पे मुझे खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि मैं कल दोबारा खड़ा होके एक नई जंग के लिए तैयार हो जाऊं? मैंने कभी किसी से बेवफाई नहीं की। मोहब्बत पे इतना गुस्सा और बेवफा ना होने पे इतना गुरूर? मेरी गलती हो गई भाई, मोहब्बत करें, रोज करें, सुबह शाम रात करें। लेकिन सर मुझे इन तीनों से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा है यासिर भाई? अगर आपका शो आज है ना, वो इन तीनों की वजह से। यासिर भाई आपकी मोहब्बत है, वरना मजाक का सीजन 2 है जो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान अशरफ का है। आप लोग का भी है सर, आप लोग का भी है। यासिर आपने तो बेवफाई नहीं की, लेकिन जो लोग बेवफाई करते हैं उनको क्या सजा दी जाए? आए उनको कुदरती सजा देगी, लेकिन इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सजा ऊपर वाला ही देगा उनको। मोहब्बत की थी अकरम भाई ने? अच्छा जी, ना दसना दे ताड़ी भी बेइज्जती है नी साहब। नहीं भाई ये तो दोवें भरावां सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ? ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਦੂਆਂ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
यासर फैंस का तो दिल टूट जाता होगा जब उनको पता चलता होगा कि उनका रोमांटिक हीरो मैरिड है, तो कोई ऐसी डाई हार्ट फैन मिली आपको? बहुत सारी हैं ऐसे, अलग अलग मुल्कों में रहती हैं, कुछ यहाँ की लोकल भी हैं। लोकल अच्छा क्या फैंस, देखिए वो क्रेजी फैन ये पूछ रही हैं आपसे कि फैन तो बहुत से लोग होते हैं, कोई ऐसा फैन जो जरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले आपकी मोहब्बत में, कुछ अलग कर दिया हो उसने आपके साथ? ऐसा तो कोई खास है नहीं, लेकिन सारे फैंस मुझे एक ही जैसे ही लगते हैं, सब प्यार देते हैं। घर के बाहर फूल लेके आया कभी? मैंने घर का पता ही नहीं पता है, घर भी चेंज कर दिया मैंने। यासर भाई आपका कोई क्रश? सर ऐसे तो बहुत सारे, ऐसा क्रश तो बहुत हैं। कोई बता दें यासर भाई। आप ना मोहब्बत में कचीचे टाइप हैं। कचीचे वाह। अरे क्या है ओए। ओ अगे ही मोहब्बत ना ते गुस्से होंदे ने, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ रही है आके रे। सर आप पे गल कर लेगी सामने आके, ठीक है सर आप पे गल। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोना पाकिस्तानी मुंडा ते पाकिस्तान जिंदाबाद। यासिर शोर साहब, द स्टेज माइक एंड स्पॉट इज ऑल योर्स। ये लम्हे इश्क व मस्ती के कभी पाबंद नहीं रहते। अच्छा। सदा खुशियां नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। जरा देखो ये दरवाजे पे दस्तक कौन देता है। आहा। मोहब्बत हो तो कह देना, यहां अब हम नहीं रहते। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है इस वक्त हमारे साथ द वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी हैंडसम यासिर शोरो साहब, और आप लोग देख रहे हैं क्या मजाक रहा।